भाजपा की हर सरकार की यह विशेषता रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का निरंतर हिसाब देती रहती है। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान जब आपके बीच में आया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि देश के विकास की गति तेज होगी, समय सीमा के भीतर होगी और समय समय पर उसका हिसाब जनता जनार्दन के दरबार में आकर के देता रहूंगा। केंद्र में नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस कार्यकाल का पहला शतक आपके सामने है, देश के सामने है। इस पहले शतक में धार भी है, रफ्तार भी है और आने वाले 5 वर्षों की एक साफ सुथरी तस्वीर भी है। पहले शतक में देश, समाज और दुनिया में नए भारत के नए दृष्टिकोण की झलक है, कठिन चुनौतियों से टक्कर की ललक भी है। पहले शतक में ही विकास का जोश भी है और भारत की वैश्विक ताकत का संदेश भी है। पहले शतक में वेलफेयर का विश्वास भी है और देश के अर्थतंत्र में सुधार का, रोजगार के नए अवसरों के निर्माण का प्रयास भी है। साथियों, इस पहले शतक में प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस है और डिलीवरी भी है। हमने प्रॉमिस किया था कि महाराष्ट्र के देश के हर किसान परिवार को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उसको देंगे और सरकार बनते ही ये काम हमने पूरा भी कर दिया। आज देश भर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में ये रकम पहुंच चुकी है और जिसमें 1500 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा अकेले मेरे महाराष्ट्र के किसान परिवारों के खाते में जमा हुए। हमने प्रॉमिस किया था कि छोटे किसानों को, व्यापारियों और दुकानदारों को निश्चित पेंशन से जोड़ेंगे और कुछ दिन पहले इसको भी हमने डिलीवर कर दिया। हमने प्रॉमिस किया था कि जिस तरह देश के गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है उसी तरह, और मेरी माताएं बहनें खास सुने, हमने जैसे शौचालय का काम चलाया, बिजली का चलाया, अब ठान के लिया है मेरी माताएं बहने घर घर जल पहुंचाने के लिए जुटेंगे। पानी पहुंचाएंगे, इस पर भी बहुत तेजी से काम आरंभ हो चुका है। हमने प्रॉमिस किया था कि देश के पशुधन को गांव और किसान की समृद्धि की रीढ़ बनाएंगे। देश के 50 करोड़ से अधिक पशुधन, उनको बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। और मैंने देखा है हमारे पॉलिटिकल पंडित, सरकार कोई भी काम करती है तो दिमाग में खपाते हैं, ये चुनाव है इसलिए किया, चुनाव है इसलिए किया।
ये जो 50 करोड़ पशुधन को टीकाकरण का अभियान चलाया है, इन पॉलिटिकल पंडितों को पता होना चाहिए कि पशुधन वोट देने के लिए नहीं जाता है। हम काम देश के लिए करते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि आदिवासी युवाओं को शिक्षित करने के लिए, कौशल निर्माण के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का जाल बिछाएंगे। देश भर में 462 स्कूल की डिलीवरी का काम शुरू हो चुका है। हमने प्रॉमिस किया था कि देश की सेना को सशक्त बनाने के लिए, अपने सैनिकों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हर कदम उठाएंगे। हाल में 2 महाशक्तिशाली हेलीकॉप्टर हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत जल्द राफेल फाइटर जेट भी हमारे वायुसेना को सशक्त करेगा। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के लिए दशकों से चर्चा चल रही थी। ये फैसला भी मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से घोषित किया था और उसको भी आगे बढ़ा दिया।